एवरीवन नमस्कार। एवरेज 22 से 25% का रिटर्न्स अगर आप चाहते हैं फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो ऐसे इंडिविजुअली शेयर्स को चूज करना है एंड उसके ऊपर बैठ लगा बैठना कि वो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स दें, ये थोड़ा सा हैप्टिक एंड डिफिकल्ट हो जाता है फॉर बिगिनर्स। बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स के साथ जाते हैं जो कि तीन कैटेगरीज में ऑलमोस्ट डिवाइडेड होती हैं, एक होता है लार्ज कैप, दूसरा मीडियम कैप एंड थर्ड स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरीज में ना रिटर्न्स रिस्क के बेसिस पर आपको मिलते हैं। अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज जहां पर आपको ग्रोथ स्लो देखने को मिलती है बट रिस्क भी उतना ही कम होता है, लाइक HDFC या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होती है, थोड़ा बहुत अपडाउन होती है लेकिन कंटिन्यूसली जो है धीरे धीरे वो ऊपर जाती रहती है। उसी प्रकार से अगर मीडियम कैप की बात करें तो वहां भी आपको मीडियम ग्रोथ एंड मीडियम रिस्क देखने को मिलता है। एंड उसके बाद पारी आती है स्मॉल कैप इंडेक्स के। स्मॉल कैप इंडेक्स में अराउंड 250 शेयर्स आते हैं जो कि स्मॉल कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन, जिस एक पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से नीचे की होती है, वो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आती है। सो अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो आप इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं जहां से आपको एवरेज 20% तक का रिटर्न्स मिल सकता है पर एनम का। एंड ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं आपको रिटर्न्स बता रहा हूँ ना, ये पास्ट के रिकॉर्ड्स के बेसिस पर बता रहा हूँ। सो ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि पास्ट के रिकॉर्ड्स के बेसिस पर अब फ्यूचर में भी आपको उसी लेवल का रिटर्न्स दे, ये गारंटीड नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में कुछ म्यूचुअल फंड्स ने आराम से 18% से लेकर के 22% तक का रिटर्न दिया। वहीं अगर हम लास्ट एक साल की बात करें, फिर 3 साल की बात करें, तो 50-30% तक का म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न्स दे रखे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसके थ्रू से आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स बना सकते हैं। करंटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ना आपको उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स इसलिए देखनी चाहिए बिकॉज कोविड के बाद ना शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और हमारा इंडेक्स सारे के सारे जंप किए हैं। लेकिन कोविड से पहले भी जो म्यूचुअल फंड्स ठीक ठाक स्लोली स्लोली ग्रोथ देती थी एनुअली 15-20% के आसपास, उसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। दैट्स वाई हमारे लिस्ट का जो तीसरा म्यूचुअल फंड है वो वन ऑफ द बेस्ट एंड अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को भी मेंटेन करते हुए आ रहा है। सो उसे जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उसके लिए बने रहे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। हमारे लिस्ट का जो पहला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है दैट इज क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट ग्रोथ। क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो 2013 से लेकर के 2018 के बीच में इसमें कुछ खास जंप या फिर ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिला, बट लेकिन आफ्टर 2018, 2019 एंड 2021 एंड 2022, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें अच्छा खासा जंप स्लोली स्लोली या फिर मैसिव ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली। अब ये जंप क्यों हुआ, इसके लिए हमें इसकी मेजर होल्डिंग्स देखनी होगी। सो इनकी जो मेजर होल्डिंग्स है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में अराउंड 9.55% के आसपास एंड वहीं HDFC बैंक में अराउंड 7.6% के आसपास। यानी मेजर कंपनीज ने भी कोविड के बाद अच्छा खासा जंप दिखाया। इसके अलावा और भी जो इनके छोटे छोटे कंपनीज या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, लाइक IRB बैंक या फिर PNB बैंक एंड सो ऑन, इन सब में भी ना अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला आफ्टर कोविड। दैट्स वाई यहाँ पर आफ्टर कोविड ही हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर मैं आगे बात करें रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 ईयर में अराउंड 39% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। अलावा लास्ट 3 सालों में 59% तक का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 27% का एवरेज रिटर्न्स दिया है, बट जब हम 10 ईयर्स के आसपास जाते हैं यहाँ पर अराउंड 17% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को अब तक ही दे चुके हैं। एज आई सेड 2013 से लेकर के 18 के आसपास कुछ खास रिटर्न्स या फिर जंप हमें होते हुए नहीं देखने को मिला है, बट आफ्टर 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 अच्छा खासा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे रखी है। एंड जैसा कि हमने देखा है एवरेज 27% तक रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में है। बट इन सब के अलावा ना म्यूचुअल फंड्स के अपने एक्सपेंस रेशियो एंड इनके एग्जिट लोड भी होते हैं जो कि हर एक म्यूचुअल फंड में रहता ही है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को बाय करते समय किसी टाइप का कोई भी ब्रोकरेज तो नहीं लगता है, बट यहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं वो मैनेजर्स, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो उनके पास चला जाता है। अगर हम क्वांट स्मॉल कैप के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.66% है एंड वही इनकी एग्जिट लोड 1% के आसपास है। एग्जिट लोड मीन्स जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करके एग्जिट कर लेते हो तो यहाँ पर जो है आपको 1% का एग्जिट लोड चार्जेस लगता है। अब क्या म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पर हमें टैक्स लगता है या फिर टैक्स फ्री होती है, तो टैक्स लगता है। अब अगर आप उन म्यूचुअल फंड्स को विद इन 1 ईयर बाय करते हो एंड सेल कर देते हो और अगर आप अच्छा खासा रिटर्न्स बना लेते हो और अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हो, तो यहाँ पर आपको 15% तक का टैक्स
देना पड़ सकता है ऑन दैट रिटर्न। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो 10% का आपके यहाँ पर टैक्स लग सकता है। म्यूचुअल फंड्स हो या फिर किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में हो, दो प्रकार का टैक्स सभी स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगता है। कि फंड साइज की अगर बात करें तो 5,500 करोड़ के आसपास की इनकी फंड साइज है। NAV दैट मीन्स करंट के वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये अराउंड 172 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड में एज एन SIP इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो मिनिमम 1,000 रुपीज आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इन म्यूचुअल फंड में मेनली आपको SIP का ही ऑप्शन मिलता है, लमसम इन्वेस्टिंग बहुत ही कम होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा क्वाइंट स्मॉल कैप ना रिस्क को थोड़ा बहुत मिटिगेट करने के लिए ये इवन लार्ज कैप में एंड मीडियम कैप में भी इन्वेस्ट करती है। लार्ज कैप की अगर बात करें तो 20% के आसपास इनका फंड जाता है एंड साथ ही साथ स्मॉल कैप में 2.73% के आसपास। इसके अलावा ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये ज़्यादातर इक्विटीज़ में जाती है, 83% के आसपास इक्विटीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। हमारे लिस्ट का जो दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है दैट इज SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के थ्रू से ना आपको लास्ट 10 ईयर्स में 22% तक का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ या फिर एवरेज रिटर्न समय यहाँ पर देखने को मिला है। SBI स्मॉल कैप फंड्स की साइज की बात करें तो 18,600 करोड़ के आसपास इनकी फंड साइज है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू क्वाइंट स्मॉल कैप फंड। इसकी अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.72% के आसपास है एंड एग्जिट लोड अगेन 1%। अगर मेजर होल्डिंग्स की बात करें तो निफ्टी 50 में 7.4% की होल्डिंग है, ब्लू स्टार में 3.87% की एंड शो ऑन। इसके अलावा 3 कैटेगरीज में अगेन ये भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन 74% ये इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप फंड्स में एंड रेस्ट लार्ज कैप एंड मीडियम कैप पे। आप मिनिमम 500 रुपीज़ के साथ SIP स्टार्ट कर सकते हो, दैट मीन्स कि मिनिमम 500 रुपीज़ की इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो एज एन SIP। यहाँ पर आप लमसम का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, SIP के साथ ही आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे लिस्ट का जो तीसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है दैट इज निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। निपॉन स्मॉल कैप की बात करें तो 31,945 करोड़ के इनकी फंड साइज है। NAV दैट मीन्स करेंटली 123 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मिनिमम 500 रुपीज़ के साथ आप यहाँ पर SIP स्टार्ट कर सकते हो एंड मैक्स टू मैक्स आप जितना चाहो वो कर सकते हो। अगेन अगर इसके हम एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एग्जिट लोड 1% है एंड एक्सपेंस रेशियो 0.08% के आसपास। इसके अलावा इसकी अगर टॉप होल्डिंग्स देखें तो वो है IT फाइनेंशियल होल्डिंग्स में अराउंड 3.2% के आसपास। HDFC बैंक में अगेन इन्होंने भी होल्ड किया है 2.25% के आसपास। इसके अलावा KPIT एनर्जी में इन्होंने अराउंड 1.62% का होल्ड किया है। ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी में 1.47% का इन्होंने इन्वेस्ट किया है। दैट मीन्स कि इन्होंने अच्छी अच्छी स्मॉल कैप कंपनी से भी अच्छा खासा स्टेक लगा कर रखा है। अगर इसकी बाय मार्केट कैप होल्डिंग की बात करें तो लार्ज कैप में इन्होंने अराउंड 15.59% के आसपास होल्ड किया है, मीडियम कैप में 14% के आसपास एंड स्मॉल कैप जिसके बारे में हम एक्चुअली जान रहे हैं 66% के आसपास इनकी जो स्टेक है, इसकी इन्वेस्टमेंट है वो मेनली स्मॉल कैप में गई है 66%। अगेन देखा जाए तो रिस्क को एडजस्ट करने के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन रखा गया है। अगेन ये इन्वेस्टमेंट्स ना बाय सेक्टर भी डाइवर्सिफाइड होती हैं। लेकिन अगर निपॉन म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए इनका इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफाई रहता है एंड यही स्ट्रैटेजी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स फॉलो करती है। कुछ म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स इसे एक्टिवली मैनेज करते हैं एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिलता है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो 38% के आसपास, 3 ईयर्स में 47% के आसपास इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिल चुका है। लेट मी क्लियर अगेन यू, मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स ने भी इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स में, बट वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखकर वो इन्वेस्ट किए हैं एंड अगेन दे आर प्रिटेंडिंग और एक्सपेक्टिंग दैट कि 30% के आसपास एवरेज उनको रिटर्न्स मिलेगा तो अगले 3 से 4 साल में उनका पैसा जो है डबल हो जाएगा। एज आई सेड, प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बेसिस पर आपको आगे भी उसी लेवल का रिटर्न्स मिले ये गारंटीड नहीं है। एंड कोविड के बाद से जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में या फिर जो ज़्यादातर स्टॉक्स में है हमें जंप देखने को मिली है। अब ये जंप कंसिस्टेंटली हर साल आपको देखने को मिलेगी ये जरूरी नहीं है एंड ये पॉसिबल भी अभी तक नहीं है। बट अगर आप लास्ट 10 साल के इनके रिटर्न्स को रिकॉर्ड करते हुए इन्वेस्ट किए हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे भी जो है उसी बेसिस के या फिर उसी के आसपास का आपको रिटर्न्स मिलेंगे। निपॉन स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में ना अगेन 22% के आसपास रिटर्न दिया है। इसके अलावा लास्ट 10 ईयर में इनका जो रिटर्न है वो 29.24% के आसपास, दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न। 29% लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज रिटर्न, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। बट फॉर दैट, इस लेवल के रिटर्न के लिए ना आपको
लंबे समय के लिए वेट करना होता है विद पेशेंस। आपने जो टारगेट कर रखा है 5 या फिर 6 साल या फिर 10 साल के लिए, आपको उसके लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हुए वेट करना चाहिए। भले ही मार्केट कभी करेक्ट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा हाई जाए, आपको सिस्टमेटिकली पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न एंड ग्रोथ देगी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास उस लेवल की नॉलेज नहीं है, तो आप इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ जा सकते हो फॉर हाई रिटर्न। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप की कोई क्वारी या फिर फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि और कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जा सकती है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोज में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।